न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दुर्घटना में घायल युवक की हुई मौत, जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। प्रमुख अधीक्षक ने कहा युवक की हो चुकी थी मृत्यु। जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला टास्क फोर्स की बैठक। 7 अप्रैल से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान के सफलता की बनी रणनीति। महाराज गुहा राज निषाद की जयंती की पूर्व संध्या पर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। जिला जज सहित अधिवक्ताओं ने डाला महाराज निषाद राज के जीवन पर प्रकाश। सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी महिला सभा ने बनाई रणनीति। कहा समाजवादी योजनाओं को बताकर मतदाताओं को करेंगे आकर्षित। अमान्य विद्यालयों के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग का अभियान जारी। गुरुवार को लगभग 10 अमान्य विद्यालयों पर हुई कार्रवाई। वीएसए ने कहा नियमों की अवहेलना करने वाले पर लगेगा 1,00,000 का जुर्माना। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने शपथ दिलाकर मतदान करने की अपील। प्राथमिक स्कूल के छात्रों ने निकाला मतदाता जागरूकता व स्कूल चलो अभियान की रैली। बीएसए ने कहा लोकतंत्र की मजबूती के लिए अवश्य करें मतदान। सर्वसम्मति से चुने गए यूपी रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन के सभी पदाधिकारी। दिनेश मणि मिश्र लगातार 14वीं बार निर्विरोध चुने गए क्षेत्रीय अध्यक्ष। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नव वर्ष का संस्कार भारती ने दीप प्रज्वलित कर एक स्वर में किया शंखनाद।